हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में जानेंगे इस बोर्ड का वायरिंग कनेक्शन कैसे होगा। अगर आप इस प्रकार के बोर्ड को बनाते हैं जिसमें एक फ्यूज, एक इंडिकेटर और 5 स्विच के साथ 2 सॉकेट लगा हुआ है। इस बोर्ड का वायरिंग कनेक्शन सीखने समझने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक और ध्यान से देखना होगा, तभी आपको समझ में आएगा। चलिए दोस्तों, बिना देरी के इस बोर्ड के वायरिंग को स्टार्ट करते हैं। इसका कनेक्शन करने के लिए दोस्तों इस बोर्ड को पलट देते हैं और इसे फिर से समझते हैं। यहाँ पर हो गया हमारा इंडिकेटर, फिर यह फ्यूज हो गया और यह 2 स्विच और 3 स्विच के साथ में 2 सॉकेट लगा हुआ है। दोस्तों, इसका कनेक्शन करने के लिए सबसे पहले फेज वायर का कनेक्शन करेंगे। न्यूट्रल वायर का भी कनेक्शन कर सकते हैं, बट दोस्तों फेज वायर से ही स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इसका कनेक्शन करने के लिए एक वायर का टुकड़ा लेंगे, जो कि यह 1 mm का वायर है। इस वायर को इस स्विच से इस स्विच तक माप कर वायर कटर की मदद से इसका इंसुलेशन निकाल देंगे। फिर इस वायर को यहाँ से यहाँ तक माप कर काट देंगे और इसका भी इंसुलेशन निकाल देंगे और इन दोनों स्विच के नीचे वाले टर्मिनल में कनेक्ट कर देंगे। आप चाहें तो ऊपर भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर इस वायर के एक एंड को फ्यूज के नीचे वाले टर्मिनल में कनेक्ट कर देंगे। इसके बाद दोस्तों एक और वायर का टुकड़ा लेंगे। इस वायर को यहाँ से यहाँ तक माप कर वायर कटर की मदद से इसका इंसुलेशन निकाल देंगे। फिर इस वायर को स्विच के नीचे वाले टर्मिनल में इस प्रकार से कनेक्ट कर देंगे। इसके बाद दोस्तों इस वायर को इस स्विच से इस स्विच तक माप कर काट लेंगे और फिर इसका इंसुलेशन निकाल करके इस स्विच के साथ में कनेक्ट कर देंगे, ताकि फ्यूज से होते हुए इन सारे स्विच में फेज की सप्लाई मिल सके। दोस्तों, इस इंडिकेटर को जलने के लिए न्यूट्रल और फेज की जरूरत पड़ती है, तो इस इंडिकेटर को फेज की सप्लाई देने के लिए यहाँ से भी दे सकते हैं, यहाँ से भी दे सकते हैं और यहाँ से भी दिया जा सकता है। चलिए इसका भी कनेक्शन कर लेते हैं। फ्यूज से इंडिकेटर तक इसका कनेक्शन हो गया। अब दोस्तों इस सॉकेट को चलाने के लिए भी फेज की आवश्यकता पड़ेगी। इसका कनेक्शन डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट करेंगे। इस स्विच से इस सॉकेट का कनेक्शन होगा और इस स्विच से इस सॉकेट का कनेक्शन होगा, बट इस बोर्ड में दोस्तों एक ही स्विच से दोनों सॉकेट का कनेक्शन करेंगे। इसको भी आप देख सकते हैं, एक स्विच से 2 सॉकेट का कनेक्शन कैसे होगा। इसके लिए दोस्तों इस वायर के टुकड़े को इस स्विच के ऊपर वाले पिन में कनेक्ट कर देंगे। फिर इस वायर के साथ एक और वायर का टुकड़ा कनेक्ट करके इस सॉकेट के एल वाले पिन में कनेक्ट कर देंगे। फिर इस वायर को इस सॉकेट के एल वाले पिन में कनेक्ट कर देंगे। दोस्तों, इस स्विच बोर्ड में फेज वायर का कनेक्शन हो गया। अब इसमें न्यूट्रल वायर का कनेक्शन करेंगे। इसके लिए दोस्तों इस न्यूट्रल वायर को इस सॉकेट के एन वाले पिन में, यानी न्यूट्रल पिन में कनेक्ट कर देंगे। फिर इसमें एक और वायर का टुकड़ा जोड़कर सॉकेट के एन वाले पिन में कनेक्ट कर देंगे। फिर इस वायर को मेन सप्लाई के न्यूट्रल वायर के साथ कनेक्ट करके इंडिकेटर में कनेक्ट कर देंगे। चलिए दोस्तों, इस बोर्ड को मेन सप्लाई और होल्डर के साथ कनेक्ट करके इसे टेस्ट करते हैं। दोस्तों, इस स्विच बोर्ड को इन वायर के साथ कनेक्ट करेंगे, तो सबसे पहले वायर को समझ लीजिए। दोस्तों, ये मेन सप्लाई का न्यूट्रल और फेज का वायर है और यह फैन और सारे बल्ब ट्यूब लाइट के एक टर्मिनल से कनेक्ट होकर न्यूट्रल वायर आया हुआ है और दूसरे टर्मिनल से सिंगल वायर कनेक्ट होकर आया हुआ है। सबसे पहले इन सारे न्यूट्रल वायर को एक साथ कनेक्ट कर लेंगे और फिर इस पर टेप लगा देंगे। इसके बाद दोस्तों इन सारे वायर का इंसुलेशन निकाल देंगे इस प्रकार से। अब इस बोर्ड के न्यूट्रल वायर के साथ इन न्यूट्रल वायर को जोड़कर इंडिकेटर के ऊपर वाले पिन में कनेक्ट कर देंगे। फिर मेन सप्लाई की फेज वायर को इस फ्यूज के ऊपर वाले पिन में कनेक्ट कर देंगे। अब यह वायर जो फैन लाइट का है, इसे स्विच के साथ कनेक्ट करेंगे। दोस्तों, इस बोर्ड में 4 स्विच खाली है और हमारा लाइट फैन का वायर 5 है। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, 2 लाइट के वायर को एक साथ जोड़ लेंगे, हमारा दोनों लाइट एक ही स्विच से जलेगा। फिर दोस्तों इस वायर को इस स्विच के ऊपर वाले पिन में कनेक्ट कर देंगे। फिर दूसरे वायर को दूसरे स्विच में कनेक्ट कर देंगे। इसी प्रकार से सारे वायर को स्विच के साथ कनेक्ट कर लेंगे। दोस्तों, इसका कनेक्शन हो गया। अब इसे बंद करके इसमें सप्लाई को चालू करते हैं और इसे टेस्ट करते हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने इस वीडियो से कुछ सीखा है तो इसे लाइक करें। अगर आपके मन में कोई डाउट सवाल है तो हमें कमेंट करें और इसी प्रकार के इलेक्ट्रिक से संबंधित वीडियो देखने, सीखने और समझने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। दोस्तों, इसका सारा कनेक्शन वायरिंग हो गया। अब इस फ्यूज में वायर को बांधेंगे। इसके लिए दोस्तों इस वायर में से 2 वायर निकाल कर बांध देंगे और फिर इसे लगा देंगे। चलिए दोस्तों, इसमें सप्लाई को चालू करते हैं। दोस्तों, आप देख सकते हैं यह हमारा स्विच बोर्ड वर्क कर रहा है। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।